name? Fizzer Kamran. Okay, mashallah, you got? 4 A's in AS levels. Okay, so, guy walon ka kya reaction? Aap to mashallah A-star student hain, to... Yes. World distinction bhi aa gayi physics ke andar. World distinction bhi aa gayi. Saath hi flex maar diya humne world distinction. Camera on hua hai, flex maarna to hai na. To banta hai, theek hai. To ghar wale to kafi khush the. Prior to this, unhone na mujhe PlayStation leke diya. To mujhe roz sunne ko mil raha tha ki ye pad nahi raha. And then they got the result. और फिर उनका रिएक्शन एंड देन एवरीथिंग वाज जस्टिफाइड. कैसे मैनेज कैसे किया प्लेस्टेशन में पढ़ाई कैसे हो जाता है कैसे हो जाता है ऐसे नहीं होता सारी दुनिया अब मर रही होती है डिस्टिंक्शन चाहिए नहीं हो जाता है. It's not that. वो पैटर्न समझ आ जाता है कि एग्जामिनर चाहता क्या. मैं तो एग्जामिनर को एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग देखो एंड पैटर्न्स थोड़े बहुत होते हैं रिकॉग्नाइज हो जाता है तो फिर समझ आ जाता है. डू यू रीड द एग्जामिनर रिपोर्ट्स? डू यू क्या पढ़ते हो उसमें से क्या डिड्यूस करते हो उसमें से? ये पता पहले तो जब स्टार्ट किया था ना पढ़ना एग्जामिनर रिपोर्ट्स तो ऐसा लग रहा था कि मैंने जो भी लिखा है ना मुझे कोई मार्क्स नहीं मिलने क्योंकि एग्जामिनर इतना स्पेसिफिक था कि बच्चे ने ये लिखा. इवन तो आई वाज लाइक ये तो सही है एंड देन थोड़ा बहुत रियलाइज हुआ कि नहीं एग्जामिनर थोड़ा बहुत जस्टिफाइड भी है कि वेग आंसर्स नहीं लिखने इस तरह की. छोटी छोटी टिप्स थी जो काम आ गई. शुरू से ओ लेवल से पढ़ना शुरू कर दी थी एग्जामिनर रिपोर्ट्स? नहीं नहीं ओ थ्री के अंदर आके कैसे गुजारा फिर वो तो हो जाता रट्टे लगा के. वो तो रट्टे लगाए थे कहाँ से? मैं नहीं मेरे साथ ये था मुझे ना कंसेप्चुअल का बहुत शौक था कि मैंने सही तरह करना सब कुछ और होता नहीं था वैसे पाक्षरी जैसा. पाक्षरी जैसा डेफिनेटली नहीं तो होता. मेरे ना फादर ने मुझे एग्जाम से हफ्ता पहले कहा कि कम से कम तुम रट्टे लगा लो जो एग्जामिनर ज्यादा सवाल पूछता होता है. मैंने ना एक बुक मैंने एक हफ्ता पूरी मेहनत की जितनी मेहनत मैंने ना साल में करनी थी ना मैंने एक नोटबुक रजिस्टर कंपाइल किया और उसके अंदर सारे आंसर्स बैटल ऑफ अदेबिया पूरा खुद से लिखा चेक करवाया और उसे इतना अच्छा रट्टा डाला. अच्छा. कि यू नो व्हेन आई हैड माय इस्लामियात एग्जाम तो मेरे पास एट द एंड 30 मिनट्स बचे हुए थे. सीरियसली? हाँ, मैंने 30 मिनट्स exactly, मैंने मुझे इतना हर सवाल रट्टा हुआ था कि मैंने लिखता गया और सारा सही हो गया. मतलब डॉक्टर वाली राइटिंग हो गई होगी. एग्जैक्टली बहुत काटे पढ़ा कैसे मुझे खुद समझ नहीं आता. मेरे पेरेंट्स तो कह रहे थे कि ऐसी राइटिंग के साथ एफएससी मैट्रिक करोगे ना तो जीरो नंबर मिलेंगे. जिस तरह कहते थे वो तुम हम नहीं पढ़ सकते एग्जामिनर क्या पढ़ेगा. नहीं नहीं वैसे सरप्राइजिंगली एफएससी मैट्रिक में इट मैटर्स अ लॉट कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो लेकिन फिर डॉक्टर्स की राइटिंग कितनी अजीब होती है. How does that even link? I guess वो med school के अंदर आके थोड़ा बहुत हो जाता है. Okay, right. So you plan on going into medical? Medical. और कहाँ से करना है? आगा खान as you said या फिर बाहर से ही. वैसे engineering के अंदर भी I'm also open. मुझे तो दोनों sides में ही अच्छा लगता है. Engineering में I will probably do mechanical engineering अगर बात है. यार ये तो boring काम है. और वो तो बाहर से करना है. Mechatronics mechanical engineering. दिल का शौक भी है ना थोड़ा बहुत उस side पे तो. अच्छा लेकिन काम तो boring है. काम बहुत बोरिंग है. इस लिहाज से तो सारे काम ही बोरिंग है. नहीं नहीं यू कैन ऑलवेज फाइंड अ फ्लो इन एवरीथिंग. ये तो है लेकिन यू नो इट मैटर्स कि आपका मिजाज कैसा है. हाउ आपका खुद का मिजाज लाइक पर्सनली आपका मिजाज कैसा है. लाइक डू यू लाइक इंटरैक्टिंग विद पीपल मोर और डू यू लाइक सिटिंग अलोन एंड बीइंग टू योरसेल्फ मोर? आई वुड से it's kind of a mix but I'm more inclined towards sitting alone phir banta hai phir focusing a task aur bas use karna hai. Your distinction test I see it theek hai. that's right. Ek bachcha jo bahut social hai, how is your social life during all this? Kya matlab ye kya bahut acha like I would say ke har ek ke sath banayi hui hai acche terms pe hain. और यू माइट नॉट बिलीव दिस अपने स्कूल का सबसे शरारती जिसे कहते हैं ना ए लेवल्स के अंदर मैथ्स बंक्स ऑर्गेनाइज करवाना प्रोजेक्टर्स तोड़ना चीजें करना तो पढ़ा कैसे फिर? हो जाता होता है वो कैसे? वो इफ यू नो इफ यू मिस द क्लासेस फिर कैसे होता है? थोड़ा बहुत एकेडमी जाता ही था जाहिर बात है. ग्रीन हॉल ने तो बहुत हेल्प किया. मैं ये करता था शुरू का सेशन लेता था ग्रीन हॉल का सारा आ जाता था. हाँ? And then school के अंदर टेंशन नहीं होती थी पढ़ने की. तो ग्रीन हॉल में क्लासेस में जाके नहीं आप कोई फजूल हरकतें नहीं करते थे या ओ लेवल में करता था? ए लेवल के अंदर एहसास हुआ कि नहीं यार सीरियसली थोड़ा हो जाता है. फोकस रह के पढ़ा फिर सारा. हाँ ए लेवल के अंदर फोकस रह के पढ़ा था. ओ लेवल के अंदर तो है ना बच्चे थे तो फिर थोड़ा बहुत कर लिया था. बच्चे थे बच्चे नहीं बड़े डिस्टिंक्शन लेके आते बहुत मैच्योर लोग लेके आते हैं. राइट राइट ठीक है. तो मैथ्स पसंद है? बहुत ज्यादा. अच्छा अच्छा फिजिक्स और मैथ्स का तो Combo है किस जगह जाना है.
अच्छा। करना क्या है, मुझे तो सब चीजें पसंद है एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो बड़ा अजीब सा एक सूरत हाल है, लेकिन पसंद है तो अच्छी बात है, यू नो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आर ओपन। हाँ नहीं डेफिनेटली, बट इंसान को क्लियर भी तो होना चाहिए ना कि उसको क्या करना है, उसको पसंद क्या है। हैव यू एवर ट्राइड सिटिंग इनटू वन ऑफ दोस एएस में सोशियोलॉजी साइकोलॉजी लिटरेचर क्लासेस? नहीं, आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट विद यू, यू डोंट लाइक दैट। मैं उन्हें यूज़लेस समझता हूँ फॉर सम रीज़न। सोशियोलॉजी आई नो आई एम गोइंग टू ट्रिगर, डॉक्टर माइंडसेट है आपका, ट्रिगर करूंगा बहुत लोगों को, लेकिन मुझे तो वो एक यूज़लेस सब्जेक्ट लगता है। क्यों, भला क्यों? आई डोंट नो, मुझे लगता है कि यार सोशियोलॉजी पढ़ के क्या बंदे की साइज, सोशियोलॉजी पढ़ के देखा है नहीं, लेकिन डू यू नो अगर अगर मेरे सामने कोई साइकियाट्रिस्ट बैठा हो तो मेरा दिल नहीं करेगा कि मैं इसे डॉक्टर साहब बुलाऊं, like stuff like that, it's controversial, but I know ke mere khud ki feelings hai, even though I haven't studied a bit of psychology and sociology. Acha koi bachpan mein aisa subject ya o level se pehle aisa koi subject tha jo aapne socha hai ki acha mujhe nahi pasand, I hate it, aur main padh ke you thought nahi it's not that bad? Ha, you would urdu you it has to be urdu, it has to be urdu, why? Because you're from USA. Yes, and samajh nahi aata tha mujhe kuch ke kya likh raha hu kya nahi likh raha, to you know मैंने अपना उर्दू का सारा जो कोर्स था ना वो इस तरह गुजारा, आई वुड इमेजिन द एंटायर आर्गुमेंट इन इंग्लिश एंड देन आई वुड ट्राई माय बेस्ट कि मैं इसे उर्दू में कन्वर्ट कर लूं किसी तरह, हो जाए बस ये इस तरह। वैसे द की टू लैंग्वेजेस इज कि जिस लैंग्वेज में आप लिख रहे हैं उस लैंग्वेज में आप सोचें ताकि यू कैन प्रोसेस व्हाट यू आर राइटिंग डाउन। मेरा उल्टा सीन था, अभी भी ऐसे ही है, अब थोड़ा बहुत बेहतर हो गया, अब तो यू नो पहले तो होता था सोचते थे इंग्लिश में सोचते थे, अब उर्दू में सोचने लग गए, लेकिन ओ लेवल ओ टू तक तो ये था ना कि बस इंग्लिश में सोचा उर्दू में लिखा, इट वाज स्टफ लाइक दैट। मेरे पेरेंट्स को हैरान थे कि तुम्हारा एस्टार किस तरह आ गया, बिकॉज़ आई रिमेंबर डिड यू गेट उर्दू ए और बी? बी 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 आह दैट एक्सप्लेन्स इट क्वाइट नाइस। हां एंड इट एक्सप्लेन्स इट नहीं, लेकिन फिर भी बी इज स्टिल हार्ड फॉर समवन हु डज नॉट नो उर्दू लाइक टू एन एक्सटेंट। आपकी मतलब थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होना चाहिए बिकॉज़ यू आर सपोज टू राइट एन एसेस ऑन ऑल दैट। हां एग्जैक्टली, वो आउट ऑफ द कोर्स टॉपिक्स आ जाते हैं और समझ नहीं आता कि बंदा क्या करे। नहीं, एक तो मुहावरों ने बहुत तंग किया है यार कसम से। कसम से, हाउ डिड यू इवन रिमेंबर दोस? नहीं, मुहावरे तो मुझे आई एम 100% श्योर कि मेरे सारे गलत थे उसमें, मुझे तो समझ ही नहीं आई थी ना कि लिखा क्या हुआ है। ठीक है, अच्छा, सो सो यू गिव योर एएस, तो डू यू थिंक एएस लेना चाहिए बच्चों को या कंपोजिट लेना चाहिए? एएस लेना चाहिए पक्का। अच्छा, आपके शेड्यूल क्या था इस दफा, एग्जाम शेड्यूल क्या था? एग्जाम शेड्यूल यू मीन थ्रू आउट द ईयर या एग्जाम्स के? नहीं नहीं, एग्जाम हमको सीआई शेड्यूल क्या था, यानी कि मैं किस तरह पढ़ता था, पेपर्स क्या थे, पेपर्स का शेड्यूल? हां तो वो तो बहुत इजी था, हां लाइट था, बहुत ज्यादा लाइट था, टाइट नहीं था? नहीं नहीं, इतना नहीं था। कितनी देर का ब्रेक था? वाज लाइक कुछ पेपर्स के दौरान 6 दिनों का गैप मिल जाता था। कम गैप कितना था? 3 नहीं 0 डे, यानी कि एक कंटीन्यूअसली 3 पेपर हुए थे, उसके बाद देयर वाज अ गैप ऑफ लाइक 4 डेज, फिर पेपर हुआ, फिर 3 डेज का गैप, फिर पेपर हुआ, फिर 5 डेज का गैप। जो बच्चे एएस देते हैं दे डोंट हैव टू फेस दैट मच बर्डन, पता है? लाइक आई पर्सनली व्हेन आई गिव माय ए लेवल्स आई गिव 11 पेपर्स इन 4 डेज, 11 पेपर्स इन 4 डेज, सो दैट वाज लाइक 2 पेपर इकट्ठे, घर आओ पढ़ो, फिर अगले 2 पेपर इकट्ठे, फिर अगले दिन 3 पेपर, फिर अगले 2 पेपर, सो दैट वाज बैड। तो ओके, सो दैट्स अ नाइस डिसीजन कि बंदा एएस ले। अच्छा, एवरीबॉडी इज़ लाइक अच्छा ओ एलजीएस करा रहे हैं या ओ वो सारे सब्जेक्ट्स सारे स्कूल्स करा रहे हैं एएस, तो हम कैसे एएस करेंगे? वो व्हाट डू यू थिंक, क्या A2 नहीं कराते वो लोग एलजीएस वगैरह? नहीं देखिए, दे से कि आप एएस और A2 इकट्ठे दो। हां तो कंपोजिट दो, कंपोजिट दो, कंपोजिट 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 वालों का फायदा एक ये होता है कि उनके पास तैयारी ज्यादा होती है। really? लेकिन डू यू थिंक सो? कर लेते हैं ना, क्योंकि जिस तरह मैंने तो अपनी पूरी वेकेशंस वेस्ट की सही तरह से, तो हम भी ऐसे करते हैं? नहीं तो कंपोजिट वाले थोड़े बहुत तो पढ़ लेते हैं ना, आई गेस। नहीं ना, अरे ये क्या बात हुई, थोड़ी बहुत लैब की प्रैक्टिस भी ज्यादा हो जाती है, लैब की प्रैक्टिस भी कह रहे हैं, थोड़ी थोड़ा सा लैब का फर्क पड़ता है, लेकिन साल का फर्क है, थोड़ा आई वुडंट कॉल इट थोड़ा सा फर्क, इस साल का। लेकिन आप साल में भी तो काउंट करें ना कि एएस में पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं सब। हाँ, लेकिन मैं कॉम्पोजिट के शुरू में तो मैं कॉम्पोजिट के साथ था बिल्कुल, आई वाज लाइक मेरा स्कूल एएस क्यों करा रहा है, सारे पेपर्स एक साथ देता हूँ, टेंशन खत्म हो गई। लेकिन जब एएस दिया
And I realized shock padta hai. A levels na asal mein bachchon ko shock nahi lagta. Exactly. The only point is when you get into O levels, you're like, oh, ye to mere aise chutki bajate mein A stars aa gaye. And then you go into A levels and you're like, ah, ha, ho jayega. Haan, main na apna ek funny story batata hu. Mera pehla monthly tha. Achha. And कोई तैयारी नहीं थी, ओवर कॉन्फिडेंस भी था उस वक्त, तो बस हो गया, सब हो जाएगा. लाइक एंड देन आई गॉट माय रिजल्ट्स, सी आर है, एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने अपनी मार्क्स की में वो रिपोर्ट कार्ड में सी देखा. एंड देन आई रियलाइज किया नहीं यार, करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत सीरियस होना पड़ेगा. ठीक है, तो उसके बाद ही पढ़ना शुरू कर दिया या फिर भी लेट पढ़ना शुरू किया? लेट पढ़ना, मैं जनवरी से सही पढ़ाई शुरू की थी, उससे पहले कोर्स समझा, सारा कुछ किया. पास पेपर्स मैंने एक्सक्लूसिवली जनवरी के बाद खोले. मैंने ओ लेवल के मैथ्स के अंदर रेड स्पॉट खरीदी थी. मैं सॉल्व नहीं करता था, मैं पढ़ लेता था सोल्यूशन, मैं आंसर क्वेश्चन पढ़ता था, सोचता था कि यार आंसर ये होना चाहिए, एंड आई वुड टैलिएट कि हाँ मैं यही सोचा था, एंड देन नेक्स्ट सवाल इस तरह करता था. हाउ इज दैट? आपकी मेंटल मैथ्स अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है. आई सी, दैट एक्सप्लेन्स इट क्वाइट अ लॉट. दैट एक्सप्लेन्स इट, बिकॉज़ मेजॉरिटी पीपल की मेंटल मैथ बहुत बुरी होती है, बहुत बुरी होती है. लाइक उनको प्लस माइनस भी करना पड़ता ऑन पेज. ऑब्वियसली भी ओ लेवल मैथ आपको बहुत फैसिलिटेट करती है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेटर स्टफ, एंड और ए लेवल में तो वैसे ही नो कैलकुलेटर होता है. You can't just, आपको जरूरत नहीं होती. अच्छा, so you gave your M1 साथ? हाँ, M1 दिया. ठीक है, तो अच्छा P1 का तो इस दफा वो नहीं हुआ? हो गया. हाँ, you know, I was actually expecting full marks in my P1, not due to that situation. ठीक है, खुद से मेहनत की थी. हाँ, and P1 is generally the strong paper. Yes, it's the scoring paper. लेकिन M1 भी अच्छा हो गया था काफी. मैंने मेजॉरिटी बच्चे देखे हैं जिन्होंने या तो AS दिया या कॉम्पोजिट दिया मैथ, उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपना M1 और S1 इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रखा, P1 P3 स्ट्रॉन्ग रखा. आई हैव सीन पीपल बिकॉज P1 P3 हैव मोर, यू नो, देयर द मेजर पेपर्स, या उन्होंने कर लिया है कि उन्होंने P1 एंड M1 अगर कॉम्पोजिट बच्चे दे रहे हैं तो P1 एंड M1 उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर लिया, या P1 या S1 स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो फिर देयर ओवरऑल ग्रेड जस्ट ड्रॉप बिकॉज उसका लाइक ग्रेडेड उस तरह टेस्ट मार्क लगा ना. सो इट जस्ट, सो डू यू थिंक आपको सारा कोर्स करना चाहिए? सारा ही करना चाहिए, क्योंकि यू नो टाइम ना हो तो क्या करें, हम पाकिस्तान में हैं, कुछ भी हो सकता है. ये तो डेफिनेटली मेरे पिछले तीनों सीरीज में कुछ ना कुछ हुआ है. जो इस्लामियात के अंदर देयर वर रूमर्स के इस्लामियात का पेपर लीक हुआ है. रियली? ओ यस, वो O3 के अंदर आए तो फिर क्या इमरान खान वाला सीन हुआ, पेपर कैंसिल हो गए. AS के अंदर इमरान खान वाला सीन दोबारा आएगा, नहीं सॉरी पेपर लीक हो गया AS के अंदर. A2 में कुछ ना हो, अल्लाह करे. क्या इस दफा कुछ ना हो. वैसे तो A levels के ना पेपर्स में कोई भी कंपोनेंट मिस होना, दैट्स बिग बिग शॉक, बिकॉज सारे कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं. राइट, आधा आधा टाइम आप देते हैं, लेट्स से एक कंपोनेंट है मैथ्स का M1 और फिजिक्स का P1, तो आई जनरली बिलीव स्कूल्स आधा आधा टाइम ही देते हैं कि 6 महीने इसमें कराया P1, 6 महीने M1 कराया. तो अगर आपका एक पेपर मिस हो जाता है तो 6 महीने तो आपने कुछ नहीं किया. डेफिनेटली डेफिनेटली ऐसे ही जिनका बुरा हुआ होगा वो तो खुश होंगे बहुत ज्यादा. दे वुड बी हैप्पी. नहीं, लेकिन आई डोंट थिंक पेपर 1 किसी का बुरा होता है. नहीं, कुछ लोगों का होता है. मैंने खुद अपने स्कूल में काफी लोग देखे थे जिनका M1 बहुत स्ट्रांग हो गया था, एंड P1 के अंदर यू नो ब्लंडर्स हो जाते हैं, गलती कभी कभार, कोई बैड लक होती है. लेकिन इतना भी बुरा नहीं हो सकता. इतना भी बुरा नहीं होता. 60 से कम, अगर कोई अच्छा बचा है उसके 60 से कम तो आ ही नहीं सकते ना P1 में. दैट्स P1 इज सबसे ज्यादा आई थिंक ना इंसाफी हुई है, लाइक सीरियसली. ठीक है, अच्छा, सो व्हाट डू यू डू स्टडीज के अलावा? गेम्स खेलता हूं काफी ज्यादा, नॉवेल्स पढ़ता हूं, एंड एनी स्पोर्ट्स? टेबल टेनिस और स्नूकर ही, जिसमें भागना नहीं पड़ता. ओके, सो यू आर लेजी? यस, काफी ज्यादा. आई सी. घर वाले कुछ कहते नहीं है? कहते तो हैं काफी ज्यादा कि उठ भी लिया करो, काम कर लिया करो, बट आई एम लाइक नहीं, बैठे रहेंगे, गेम खेलेंगे या टेबल टेनिस या स्नूकर, ये तीन चीजें, या बोर हो गए नॉवेल पढ़ लेंगे. ये सही, चिल लाइफ है. नहीं, चिल तो है.